आज हम लोग 7 प्लेट और 9 प्लेट की मशीन को, वाटर एनालाइजर मशीन को कैसे डीप क्लीन करते हैं उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। जितने भी 7 प्लेट और 9 प्लेट की हमारी मशीन है, मॉडल्स अलग अलग हो सकते हैं, उन सब का डीप क्लीन का प्रोसेस एक ही है। इस प्रोसेस को जानेंगे और समझेंगे, बहुत ही आसान है। एटलीस्ट कम से कम साल में 2 बार होनी चाहिए, 6-6 महीने के अंतराल पे ये डीप क्लीन का प्रोसेस होना चाहिए। तो आज डीप क्लीन कैसे की जाती है, बहुत ही आसान तरीका है जिसको जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मशीन को लेंगे और मशीन से पावर कोर जो है वो हटा देंगे, मतलब मशीन में किसी तरह का कोई पावर नहीं डालेंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो है इसमें सप्लाई नहीं होगा। इसके साथ साथ मशीन के अंदर जहां इन और आउट जो होता है उस जगह उसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आगे का प्रोसेस हम लोग क्या होता है वो मैं बताता हूँ। लॉक हो गया मशीन, लॉक होने के बाद मशीन के अंदर 2 फिल्टर दिए गए, आप देख पा रहे हैं ये 2 फिल्टर जो पहले से लगे होते हैं, इनमें से सेकंड फिल्टर को हम यहां से निकाल देंगे। सेकंड फिल्टर हमने निकाल दिया और उस सेकंड फिल्टर की जगह पे हम ये होलो फिल्टर, देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, होलो फिल्टर, ये होलो फिल्टर को लगाते हैं। ठीक है, वैसे जैसे फिल्टर लगता है हमने इसे लगा दिया। तो पहला चीज ध्यान रखना है कि मशीन में किसी तरह का पावर का सप्लाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि मशीन को नीचे से आपका लॉक कर देना है, दोनों को ही, इन और आउट दोनों को लॉक कर देना है। उसके बाद तीसरी चीज है कि सेकंड फिल्टर, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सेकंड फिल्टर, इस सेकंड फिल्टर को आपको रिमूव करके इस जगह आपको लगाना है होलो फिल्टर। होलो फिल्टर लगाने के बाद आपको कनेक्शन करना है, पानी को जो है इसके अंदर इन होगी और पानी हम यहां से लेंगे। अब कौन सा पानी लेंगे ये हम जानेंगे, किस तरह का पानी से हम डीप क्लीन करते हैं वो जानेंगे। हमारे पास तकरीबन 4-5 लीटर का जो है एक बकेट है, बाल्टी है, जिसके अंदर पानी है। ये इसके अंदर हम डालेंगे ये साइट्रिक एसिड, आप देख पा रहे हैं ये साइट्रिक एसिड, ये फूड ग्रेड की साइट्रिक एसिड है, आपको शॉप में मिल जाएगा, दुकानों में मिल जाएगी। इसके अंदर हम डालते हैं ये चम्मच से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिलहाल हमने 10 चम्मच हमने साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया और इसे हम पूरी तरह से घोल देंगे। ये घुल रहा है, ये पूरी तरह से घोल देंगे। ये शक्कर की तरह है थोड़े से, इसके आप देख पा रहे दाने, ये पूरी तरह से हम घोल लेते हैं। ये पूरी तरह से घुल रहा है अब ये। घुलने के बाद इसे हम थोड़ा सा छन्नी से छान लें क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गंदगी होती है। तो मैं इसे छान रहा हूं, इसे छान लिया गया है। छानने के बाद अब ये हमारे पास जो है तकरीबन 4-5 लीटर के आसपास पानी है जिसके अंदर साइट्रिक एसिड ऑलरेडी है। अब इस साइट्रिक एसिड का हम पीएच भी चेक करेंगे क्योंकि ये एसिडिक होनी चाहिए। एसिडिक मतलब ये पानी का पीएच कम से कम 2.5-3 के आसपास होनी चाहिए। अगर 2.5-3 के आसपास है तो ये बेटर है आपके क्लीनिंग के लिए। मैं पीएच टेस्टर से इसको चेक भी करता हूँ। यस, देखिए रेड कलर का आ चुका है ये, आप देख पा रहे होंगे लाइट रेड कलर का, मतलब ये पानी आपका 2.5-3 पीएच के आसपास का हो चुका है। अब इस पानी को हम इसके अंदर डालते हैं। मोटर से पानी जो है ऐसे जाएगा और इस फोशेट से पानी वापस इसमें गिरेगा। चलिए
मैं मोटर स्टार्ट कर रहा हूं। ये पानी ऐसे साइट्रिक एसिड का घोल ले रहा है और ये मैं छन्नी लगा रही ताकि इसके अंदर कोई गंदगी रहेगी, छन्नी में छन जाएगा। ये डीप ट्रेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो करना क्या है, सबसे पहले मशीन के पावर को अनप्लग कर देंगे, नीचे के दोनों जो है जहाँ इन और आउट है उसे हम लॉक कर देंगे। तीसरी चीज है कि फिल्टर को हम बदल देंगे, यहाँ होलो फिल्टर लगा देंगे और पानी को हम साइट्रिक एसिड की घोल बनाकर जिसकी पीएच लेवल जो है 2.5 से 3 के आसपास हो, अगर 2 से 2.5 हो तो और बेटर हो, हमने आपको चेक कर दिखाया। और वो पानी को एक बार फिर छान लेंगे हम। अब देखिए ये हमारा काम स्टार्ट हो चुका है और डीप क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आप देख पा रहे हैं ये पानी इन कर रहा है, इस मोटर के द्वारा जा रहा है और ऐसे होते हुए चेंबर में जाएगा और चेंबर के बाद क्लीन होकर फिर पानी यहाँ से आ जाएगा। यही एक प्रोसेस है डीप क्लीनिंग का। अब इस तरह से मोटर से लगा के ये इसकी टाइमिंग जो है कम से कम 3 घंटे की होना चाहिए, 2.5 से 3 घंटा कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए। आप 3.5 घंटे भी करते कोई इश्यू नहीं है, पर 3 घंटा में काम आपका हो जाएगा, ये कंटिन्यू प्रोसेस होगा। इस तरह से ये प्रोसेस हमारा 3 घंटा चला। 3 घंटे के बाद का स्टेप क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 घंटे के बाद जो है आप देख पाए कि मशीन पूरा से क्लीन हो चुका है और पानी का फ्लो भी पहले से बढ़ चुका है। पहले मोटर को हम बंद करते हैं, मोटर बंद हो गया। इस तरह से देख पा रहे हैं आप, मैंने मोटर को बंद किया। मोटर बंद करने के बाद पानी जो भी चेंबर्स में वो निकल रहे हैं, उसके बाद यहां से हम इसे रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करने के बाद इस फिल्टर को निकालेंगे तो बहुत सावधानी से निकालेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत पानी होता है, इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ निकालेंगे। अब इसे स्टेप आगे ले लेते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत पानी है। आप देख पाए अब इसे हल्का सा मैं तिरछा करेंगे ताकि स्क्रीन के ऊपर जो है पानी ना जाए। अब ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, वापस हम इसे लगा देंगे ये फिल्टर को। पीछे से लॉक खोल के इन और आउट में जैसे पाइप लगाते थे कनेक्शन करते वैसे कनेक्शन करेंगे और कम से कम 5 से 10 लीटर के आसपास जो है हम इसमें अल्कलाइन पानी के निकालेंगे। जब अल्कलाइन पानी निकालेंगे तो हो सकता है कि पीएच आपका वो नहीं आता हो जो पहले, क्योंकि अंदर चेंबर में भी जो है साइट्रिक एसिड होने की वजह से आपका पीएच वो नहीं दे पाएगा, बट इससे घबराएगा नहीं, वो फिर से वापस वैसे ही आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। बी4 एग्जिम की तरफ से नीरज कुमार सिंह, आप सभी का दिन अच्छा हो। थैंक यू।